परमेश्वर विराम की महिमा होने पाए। परमेश्वर जीवन में लगातार परमेश्वर वचन के द्वारा हमें नए नए बातों को सिखाता है। मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जिसके कारण हर दिन हमें नए नए बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर भी सहायता करता है। हालेलुया। मुझे पता है आप लोग में से कितने लोग इस बात को लेकर के आप लोग समझते हैं, लेकिन मैं इस बात को लेकर के बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर मुझे सिखाता है और जिसको मैं आप लोगों को सिखाने के लिए प्रभु हमें सहायता किया। हालेलुया। लगातार रूथ का किताब में से हम लोग जीवन की किताब से हम लोग लगातार हम लोग तीन सप्ताह तीन पार्ट हम लोग हो चुका है। आज पार्ट फोर द बुक ऑफ रूथ यानी रूथ की कहानी जीवन की कहानी के द्वारा हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर आज भी हमारा जीवन में कार्य करे। हम लोग पहला अध्याय खत्म हो चुका है, आज पहला अध्याय दूसरा अध्याय में हम लोग देखने जा रहे हैं। रूथ अभी कहाँ आ गई, कहाँ आ गई, अपने सास के साथ बैतलहम आ गई, अपनी नाओमी जो सास है उसके साथ बैतलहम आ गई। वहां तक हम लोगों ने पिछले सप्ताह सुना था। आज बैतलहम आने के बाद वहां पर क्या हुआ, हम लोग ये रूथ दूसरा अध्याय 1-7 तक पढ़ेंगे। उससे पहले रूथ 1:22 पढ़ेंगे। रूथ 1:22 में लिखा है, इस प्रकार नहोमी अपनी मोहाबिन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोहाब देश से आई थी। वे झोंक काटने का समय का आर में बैतलहम पहुंची। झोंक काटने का, जो मतलब जैसे गेहूं होता है ना वैसा, जो क्या गेहूं है उसको काटने का समय ही है, उस समय वे बैतलहम पहुंचे करके हम लोग लास्ट वीक तक देखा। और चैप्टर 2 उसी रूथ का दूसरा अध्याय में हम लोग देखते हैं, यहाँ पहुंचने के बाद उन लोगों का लाइफ नया से शुरू होता है। हालेलुया। कि तो यहाँ नहोमी के लिए तो पुराना घर है, उसका तो अपना गांव है, लेकिन रूथ के लिए तो ये सब चीज नया है। हालेलुया। अपना देश, घर, द्वार, अपना कुटुंबी, अपना जाति, अपना जो कल्चर कस्टम सब एकदम यहाँ पर डिफरेंट है, जिसके चलते अभी बैतलहम आ गई। बैतलहम यहाँ करके जरो उसके जीवन में स्वार्थ नहीं था, उसके अंदर क्या था, सास का देखभाल करना है, वो अकेले जाएंगी तो क्या होगा, इस चिंता के साथ अपने साथ के साथ सास के साथ चली आई। पढ़ेंगे रूथ दूसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। मोआबी के पति अली में मेलक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं नहोमी का पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बहुत धनी कुटुंबी था और जिसका नाम बोआज था। हालेलुया। बोआज करके एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, वो कौन है, ये नहोमी का कुटुंबी था। हालेलुया। नहोमी का पति एलीमेलेक का कुटुंबी था, उसके बारे में हम लोग मत्ती पहला अध्याय में पढ़ते हैं। मत्ती पहला अध्याय 5वां वचन में हम उसको पढ़ते हैं, सलमोन और राहाब में बोआज उत्पन्न हुआ। हालेलुया। सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब को मैंने बताया एक वो एक वेशी थी, इन दोनों में से इन दोनों पति पत्नी से एक बेटा हुआ, उसका नाम बोआज। बोआज का पिताजी का क्या नाम है, सलमोन। क्या है, बोआज का पिताजी का नाम सलमोन, यानी इब्राहिम का संतान से इनका नाम है। आप पहला से पढ़ेंगे कि अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली में बोआज का नाम है। हालेलुया। हम देखते हैं इब्राहिम से इसाक उत्पन्न हुआ, इसाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ और उसकी भाई और उसके भाई उत्पन्न हुआ, यहूदा और तामार से फिरिस व जोहर उत्पन्न हुए, फिरिस से क्या लिखा है, इस्रोन उत्पन्न हुआ
और इस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नशोन और नशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। ये यीशु मसीह का वंशावली में बोआज का नाम वहां के बारे में रूथ का किताब में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं वो बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था। कौन है बोआज? बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति था, वो एलीमेलेक का कुटुंबी था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पटीदार बोलते हैं, वैसा उसका कुटुंबी में था। दूसरा वचन पढ़ते हैं, मोबी रूथ ने नोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा चली जा बेटी। यहाँ हम देखते हैं कि बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, है कि नहीं? तो खाना है पेट के लिए, तो खाना है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अभी इनको सास सहते नहीं हो पाएगा, तो उम्रदार हो गई। अभी रूथ मन में लगा कितना दिन हम बैठेंगे, कितना लोग क्या देगा पता नहीं, कितने लोग कितना दिन भूखे रहेंगे पानी पी करके। इन्होंने सोचा कि रूथ जो है वो मोआबी थी, उसके पास यदि हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वो बहुत बड़ा धनिक परिवार में थी करके हम देखते हैं। ना केवल वो है, वो वहां पर मोआब में जिस देवताओं को मानते थे उसको मैंने हम हिस्ट्री में देखे हैं, मैं ये बाइबल में नहीं है। तो वहां पर बच्चियों को, छोटा बच्चियों को बलिदान देते थे। उस बच्चियों को तैयारी करने का काम रूथ का था करके हम देखे हैं, सुने, ठीक है। बस अब बाइबल में नहीं है लेकिन इस इतिहास बतलाती है, यानी ये वहां ऐसे जगह में थी, उन बच्चियों को तैयार करती थी, तैयार करके उन देवताओं का सामने ले जाकर के बलिदान करने के लिए उस बच्चियों का ऐसा तैयार करेंगी वहां जाकर के लेटा आने के बाद मांगने का नहीं, वहां पर तुम भगवान है, तुम ईश्वर है ऐसे बोलकर उसका माइंड में ऐसा उसको लोग क्या करते थे, तुसाएंगे कि वो लड़की को ले जा करके जब चढ़ाएंगे उस लड़की वहां पर एकदम शांत से रहेगी। उसको काट के लोग साल में एक बार बलिदान करते थे। उस जगह में रूथ को उन लड़कियों को तैयारी करने के लिए रखा है करती थी, ठीक है। उसको कोई चीज का कमी नहीं था। अभी विधवा हो गई, इनके मन में ये नहीं था मेरे मामी का घर में चले गए होते तो हमको दूसरा शादी होता, खाना पीने का कोई कमी नहीं रहता, वो सब नहीं सोची। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, मैं किसी का खलिहान में किसी का खेत में जा करके मैं काम करूंगी ताकि वहां से जो मिलेगा, जो नीचे गिरा हुआ चीज जब मिलेगा उसको ले आकर के हम लोग दोनों खा पी करके बस इसमें हम लोग अपना गुजारेंगे। अब मालूम होना चाहिए पुराना नियम में क्या होता था कि ये परमेश्वर का आज्ञा है, ठीक है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 19 अध्याय दिखा लीजिएगा, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं 9 और 10 वचन को हम पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना। परमेश्वर का आज्ञा क्या था कि जब तुम के अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना और कटे हुए खेत की गिरी पड़ी वालों को ना चुनना। ये परमेश्वर का आज्ञा था। क्यों? और अपनी धाकी बाड़ी का धान धाना दाना ना तोड़ लेना और अपनी धाकी बाड़ी के जड़ जड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना, उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का ये आदेश है कि जब खेत में कटनी करेंगे क्या करना है, एकदम कोने कोने में जाकर एकदम ये टच लगा के नहीं काटना, यानी इतना छोड़। मान लीजिए जब धान काटने के समय कुछ कुछ गिर जाता है ना, तो गिरने का समय उसको बटोरने के चक्कर में नहीं रहना, क्या करना छोड़ दो। और अंगूर जब बगीचे में जाकर जब अंगूर काटते हैं क्या नहीं करना है, एक एक करके तोड़ने के चक्कर में नहीं रहना,
कुछ कुछ गिर जाता उसको छोड़ दो। किसके लिए? किसके लिए हम लिखा है कि वो दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। हालेलुया, हमारा परमेश्वर परदेशियों को ऊपर, अनाथों को ऊपर ख्याल करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, वचन में लिखा है परमेश्वर अनाथ विधवा और परदेसी लोगों का परमेश्वर है। जिसके पास बाप नहीं है उनका भी वो पिता बन करके उनको सहारा देने वाला परमेश्वर है। कोई भी हमारा देश में आएगा, कोई भी उसको छूने के लिए बटन में आएगा, इसके पास खेत नहीं है, उस उधार से जाने के लिए नहीं जाना देना, लेकिन क्या करना है, उन लोगों को मदद के रूप में हो जाए। उन लोगों को मन में ये ना हो कि हमारे पास खेत नहीं है, हम भूखे रहेंगे, नहीं नहीं, वैसा उन लोगों का मन में नहीं होना है। क्या करना है, उन गरीबों की मदद करने के रूप में जब गिर जाता है उसको क्या नहीं करना है, निकाल के बटोरने के चक्कर में नहीं रहना, छोड़ दो। किसके लिए? गरीबों के लिए, दीनों के लिए, अनाथों के लिए, जो परदेशी है उन लोगों के लिए क्या करना है, उसको छोड़ देना है करके परमेश्वर का आज्ञा है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे ऊपर कितना ख्याल रखता है कि नहीं, परमेश्वर हमारे ऊपर कितना ख्याल रखता है, उन्हें ही चाहता है कि कोई भी भूखे सो जाए। हालेलुया, परमेश्वर का यही इच्छा है कि हर कोई, हर किसी का पेट भरे, कोई भी भूखे नहीं सोना है। इस विचार के साथ परमेश्वर ने कहा, एक और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय का 19 पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 24 अध्याय। जो तू अपने पक्के खेत को आते और एक खुला खेत में भूल से सूख जाए, तू उसे लेने को फिर ना लौट जाना, वो परदेशी अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में उसको आशीष दे। यहाँ पर क्या लिखा है, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक फूल खेत में भूल से छुड़ गया, मान लीजिए फूल जो बांधे छोड़ के घर चले गए, फिर जाकर तुम उठाने के चक्कर में नहीं रहे, तुम जाते जाते गरीब लोग आएगा, लोग लेने आएगा, तो उसको उनके पास जाके झगड़ा करके नहीं लेना, क्या करो, छोड़ दो, भूल गए जाएंगे फिर जाके लेके आएंगे करके मत जाना है, और तो उसे लेने को फिर लौट के नहीं जाना है, वो परदेशी अनाथ और विधवाओं के लिए पड़ा रहे, इसीलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। हालेलुया, मिलता है जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब ढालियों को दूसरी बार ना झाड़ना, वो परदेशी अनाथ विधवाओं के लिए जलपाई है, जब उसको झाड़ के जब निकालेंगे तो कुछ छूट जाता है, फिर उसको बटोरने के चक्कर में लोग आकर को ले जा, उसमें से लोग तेल बना के खा सकता है। देखिए परमेश्वर कितना, और इस समय स्मरण रखना कि तो मिस्र देश में इसको याद करो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था किस तरह तुमको लोगों ने मदद किया। बहुत सारे लोग हम भूल जाते हैं कि हम किस परिस्थिति में थे। हम मुझे हमेशा पास्टर जी का बात हमको याद, कभी कभी हम कोई बातों को बोलने के लिए, चाहे कोई बातों को बोलने शर्माते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं भूलना। कई समय हम लोग जब बिहार में सेवकाई करते थे, कितने बार ऐसा हमारा जीवन में हुआ कि 50 पैसा के लिए हम लोग तड़पे, चर्च में दान देने के लिए ढूंढ रहे, हम और पास्टर ढूंढ रहे कि कहीं 50 पैसा मिल जाएगा, उसको निकाल के चर्च में ले, क्योंकि मैं पास्टर है, उस कलीसिया का पास्टर हो करके हम नहीं दान देंगे तो लोग कैसे देगा। उस परिस्थिति में हम लोग ढूंढे हैं कि कहीं 25 पैसा 50 पैसा भी मिल जाएगा, डाल सकते हैं, और कई बार कपड़ा फटा रहेगा कि आप कहाँ जाएंगे, मांगने कहाँ जाएंगे, उसी को सिलाई करके पहनने वाला दिन है। चप्पल एक बार ऐसा हुआ कि पास्टर जी का चप्पल एकदम तलवा का नीचे एकदम छेद हो गया था, उसी को पहन के सेवकाई में जाना आना, और एक बार ऐसा हो गया चर्च में वो पूरा खाना से भरा हुआ था, वो जगह पुराना ये था, एकदम हल गया, उसको निकाले हैं पूरा खून चितरा गया, बस उसी में सेवकाई किए। एक दिन क्या हुआ,
शिवहाय से लौट रहे थे, एक माँ और बेटी, हम लोग जहाँ है विद्या करके एक जगह है, वहां से मोतिहारी 50 किलोमीटर दूर में मोतिहारी करके एक जगह है, वहाँ एक माँ बेटी पास्टर जी को ढूंढ करके मोतिहारी से चली आए, आ करके वहाँ एक चर्च है, एजुकेशन चर्च है, वहाँ आ करके लोगों से पूछे कि पास्टर मैथ्यू कहाँ है, वो लोग बोले कि वो तो इस समय में नहीं रहेंगे, वो तो कहीं गाँव में रहेंगे। फिर वो चर्च में, क्योंकि डेरा तो दूसरा जगह में थे, जिसके चलते चर्च में जाके देखे चर्च भी बंद था, तो तब क्या करे, वो लोग छटपटा रहे कि आज शाम के एक ही ट्रेन, वो ट्रेन में लौटना है। ये बात जो है 95 की बात मैं बता रही हूँ, 95-96 की बात बता रही हूँ। तब वो लौटने के लिए वो लोग सोच रहे थे, बहुत उदास के साथ माँ बेटी लौट रहे थे, तब तक देखे साइकिल चला के सामने से आते हुए देखे कि पास्टर साहब बेटा बेटा रुको रुको, आंटी बहुत मानती थी इनको, बेटा बेटा रुको रुको रुको, बोली आंटी क्या पता इस समय में आप इधर, नहीं नहीं बेटा आप ही को ढूंढते आए, लेकिन हम सोच लोग बहुत उदास के साथ मैं लौट रही थी कि परमेश्वर ने आपको दिखा दिया, कर लो आपने बैग से निकाली एक लिफाफा दे करके बस तुरंत रिक्शा से वो चली गई। तो इन्होंने सोचा कि इन्होंने प्रार्थना करके रूम आया, रूम में आने के बाद देखा उसमें 300 रुपया, तो चप्पल खरीदने के लिए परमेश्वर प्रबंध किया। वो आंटी ने, आंटी से परमेश्वर ने कहा मेरे बेटा परेशान में जाकर के उसको पैसा दे। हालेलुया। ऐसे समय में भी परमेश्वर, चप्पल नहीं है, चप्पल फट गया है, और उस समय में परमेश्वर ने, उस अगला सप्ताह उनको चेन्नई आना है, कैसे जाएंगे थोड़ा सा सोचिएगा, परमेश्वर जरूर हमें सेवा में मदद किया। एक एक काम को भूलना नहीं, जब हम मिस्र देश में थे कि किस तरह परमेश्वर आप लोगों को वहां संभाला, भूलो मत। इसीलिए जब तुम कुछ करते हो, जब कुछ तुम्हारे पास आते हैं, गरीबों को याद करना। हालेलुया। मैं सही बताते हैं कि परमेश्वर जो उन लोगों को याद करके, विधवाओं को, गरीबों को, दरिद्र लोगों को याद करके जो मदद करते हैं ना, परमेश्वर एक पाई पाई के लिए परमेश्वर जो है लौटाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हम जो करते हैं, जिस दृष्टि से, जिस क्या विचार से हम करेंगे, उस विचार के साथ परमेश्वर में लौटाने वाला। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का आज्ञा था उन गरीबों के प्रति, उन दीन लोगों के प्रति, उन परदेशियों के प्रति, जिसके चलते रूथ बोलती है मैं वहां पर जो खेत है वहां जाकर के मैं क्या करूंगी, मैं जाकर के वहां बटोरूंगी, जो गिरा हुआ है उसको बटोर के लेके आएंगी करती। जब कही थी तो माँ ने बोली, सास बोलती जा बेटी झाक करके ले गया। तीसरा वचन पढ़ते हैं, इसलिए वो झाक कर एक खेत में लवाने के लिए पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक का कुटुंबी बोआज का था। हालेलुया। तो मालूम नहीं, ये देखिए अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के आई है, परमेश्वर नहीं बोला उसको। हालेलुया। ये अच्छा निर्णय, एक विधवा माँ को कैसे, मैं कई बार हम लोग अपना विधवा माँ को भूल जाते हैं, अपने गरीब माँ को भूल जाते हैं, अपने गरीब लोगों को भूल जाते हैं। ये और जो रूथ है अपने विधवा माँ के लिए, वो अपने सब चीज त्याग करके उसके पीछे आई है, जिसके कारण परमेश्वर ने क्या किया, संयोग से एक्सीडेंटली वो बोआज का खेत में चली गई करके हम देखते हैं। उसको मालूम नहीं बोआज कौन है, उसको मालूम नहीं है उसका खेत है, वो बटोरते बटोरते बटोरते, क्योंकि तो नियम था पेड़ों का से छोड़ देते थे, उसको बटोर रही थी अपने इसमें, बटोरते बटोरते गई, देख रहे कि वो उनका खेत में चली गई, किसी खेत में करते करते बोआज के खेत में चली गई। हमारे जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं ये सब कैसे हुआ, लगता है एक्सीडेंटली हो गया, संयोग से हो गया, नहीं, कभी कभी ऐसा जब होता है समझ लेना कि परमेश्वर की योजना है। मुझे नहीं समझ में आया कैसे ही काम हुआ, मैं वहां गई, ऐसा बात हुआ, जैसे मैं बताई ना कि कभी कभी ऐसा समस्या होता है। परसों कल की बात है, वॉकिंग के लिए मैं हर दम 8 बजे निकलती हूँ, 8:30 बजे निकलती हूँ, कल क्या हुआ, हम 9:15 मेरा माइंड जो है जाऊं कि ना जाऊं, ऐसे सोचते सोचते चलो करके 9:15 बजे क्या किया, निकल गया, निकल गए, निकलते निकलते गए, और देख रहे संजोग से एक आंटी से भेंट हुआ, मेरे हाथ पकड़ के कुछ ने लिखा मसीह है, हाँ बोले कि हाँ, आपको कहीं देखा लग रहा, बोले कि हाँ देखिए है आपको, तो बोले लगी हाथ पकड़, इतना रोने लगी मेरे बेटों के लिए प्रार्थना कीजिए, एक्सीडेंटली उनसे भेंट हुआ। ऐसे कई लोगों को जीवन परमेश्वर
आपके द्वारा बचाएगा। आप सोचते होंगे इनसे कैसे मिले, इनको कैसा हुआ, नहीं एक्सीडेंटली नहीं, ये परमेश्वर की योजना है। कभी कभी हमारा जीवन में कुछ ऐसे बातें होगी, कभी कभी कोई बातें देरी होगा, कोई कोई बातें जब समस्या जब हम मांगते हैं नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं सोचना प्रभु हमें भूल गए, नहीं कभी बोले अचानक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने में परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया, रूथ को परमेश्वर नहीं भूला, नहोमी को परमेश्वर नहीं भूला। हालेलुया, बाइबल में हम देखते हैं लाजरस और धनवान का कहानी में सब जानते हैं, लुका में हम देखते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं देख रहे हैं, ये धनवान था, इसके पास सब कुछ था, उस समय इन्होंने उनको ख्याल तक नहीं किया, उनको क्या समस्या है तो उन्हें नहीं देखा, अभी मर गया, मरने के दोनों एक साथ मरा, वो भीख मांगा टेबल में जो खाना पड़ा हुआ था उसको नहीं मांगा, जो नीचे गिरा है ना चुच्चा जो उनको टूटा गिरता ना उसको कम से कम मिल जाएगा, उसका पेट भर जाएगा सोचा था, लेकिन वो भी उसको नहीं मिला, उसको कोई डॉक्टर उसके पास नहीं गया उसके घावों को साफ करने, कुत्ते जाकर के उसके घावों को साफ करता, धनवान उस समय सोचता थोड़ा सा मैंने उनका जो है एक टुकड़ा भी बेच दिया डाल दिया होता बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वो सोचा कि मैं जीऊंगा, मेरे पास मेरा पैसा है, मैं कमाया हूँ, किसको दूं, अभी क्या हुआ नरक में चला गया, उस समय छटपटा रहा, उस समय कह रहा है गिलास ने उसको बोलिए एक उंगली पानी अपना उंगली मेरे डालने के लिए, और कहता है कि लाजरस को वापस भेजिए मेरे भाइयों के पास, पांच भाई मेरा बचा उसके पास जाने के लिए, नहीं हो पाया। जब आप जीवित रहते हैं, जब आपके पास किसी को कुछ मदद करने के लिए आपसे होता है कर दीजिएगा, जब मरने के बाद बैठ के सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, कि परमेश्वर हमें दिया है इसलिए देने के लिए दिया करो, तुम्हें भी दी जाएगी, गरीबों को याद करो, विधवा को याद करो, अपने माँ हो सकती है, विधवा हो सकती है, आपके घर वाले लोग गरीब हो सकते हैं, लोग आपसे पैसा मांगते होंगे, पैसा को हम छिपा के नहीं माँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कमाया नहीं, इस महीने मेरा पैसा ठीक से नहीं आया है, ऐसे झूठ बोल करके आप उस पैसा को रखिएगा, कहीं पैसा को गलत ढंग से या कहीं आपके हाथ से निकल भी सकती है, इसीलिए हमें सावधान रहना है। जब आपको समय किसी को मदद करने के लिए होता है उस समय हाँ आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे, नहीं 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 ये गलत है, आपसे होगा 50 रुपया 100 रुपया कुछ हो गया निकल के दे दीजिएगा, या उनको आपके पास ढेर सारा पैसा 1000 रुपया देने लायक दे दीजिए, आपके पास 10,000 रुपया देने लायक दे दीजिएगा, तो वो गवाही देगा तुमने तो पैसा को क्या किया ताला लगा के रखा, मैं जब मदद मांगने आया तुमने मुझे मदद नहीं किया। यहाँ हम देखते हैं इस रूथ के जीवन में इन्होंने अपने जीवन को त्यागी, अपने परिवार को त्यागी, इस विधवा माँ को मदद करने के लिए आए आने के कारण परमेश्वर ने उसको नहीं बुला, संयोग से बोआस प्रकृति में चली गई, कारण परमेश्वर का दृष्टि उसके ऊपर था। हालेलुया, और पढ़ेंगे तीसरा और चार वचन पढ़ेंगे दूर का चार, और जो विधवा उनसे लगने वालों से कहने लगा यहोवा तुम्हारे संग रहे, और बोवाज बेतलहम से आकर लवने वाले से कहा कहने लगा यहोवा तुम्हारा संग रहे, और वे उससे बोले यहोवा तुझे आशीष दे। हालेलुया, बोवाज एक बहुत बड़ा धनिक व्यक्ति है, बहुत बड़ा मालिक है, अपने साथ काम करने वालों का साथ किस प्रकार वो व्यवहार करता देखिएगा, अपने साथ रहने वालों के साथ किस प्रकार आप रहते हैं थोड़ा सा देखिए, उनको क्या कर रहा है आशीष दे रहा है यहोवा तुझे संग रहे। आजकल की मालिक लोग आजकल की बॉस क्या करते हैं, हे काम करो, हे वो काम करो, नहीं काम करोगे तो हटा देंगे, उन लोगों के टोन बदल जाता है, लेकिन ये बॉस क्या किया, ये बोवास जो बॉस है वो अपने पीछे उधर के बोलता है कि यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले जो लोग काम कर रहा था ना श्राप नहीं दिया, आ गया बुलाओ आ गया बाप रे हमारा साथ ये करने के लिए, वो लोग क्या बोल रहा ना यहोवा तुझे आशीष दे, उनके साथ काम कर आपके साथ काम करने वाले आपको आशीष दे रहे हैं या कोस रहे हैं, अरे बाप रे ये कैसे आ गए बाप रे, ऐसे करके बोलते हैं या आपको देख के आशीष देते हैं, आपके आंख में किस प्रकार आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। हालेलुया, थोड़ा सा सोचिएगा, पांच वचन पढ़ेंगे, और तब बोआज ने अपने उस
सेवक से जो लॉन्ड वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा वो किस की कन्या है। यहाँ पर देखते हैं कि हमारा न परमेश्वर के नजर हम पर कैसे प्रकट होता है। इस वक्त ये लड़की ये औरत क्या कर रही है, वो किसी से कोई मतलब नहीं, अपना काम में लगी हुई है, वहां क्रिकेट में कितने लोग हजारों या सैकड़ों लोग काम कर रहा है कि नहीं। उनके पास बड़ा खेत है, धनवान है, धनवान के पास कितना खेत होगा, कितना बड़ा होगा, लेकिन इनकी नजर उसके ऊपर पड़ा। पूछता है कि तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लगने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा वो किसकी कन्या है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का नजर हमारा ऊपर है, परमेश्वर की दृष्टि हमारा ऊपर है। आप परमेश्वर के लिए सब त्यागेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखेगा। हालेलुया, परमेश्वर कभी हमें छोड़ने वाला। एक नाइन विधवा जो है उसका बेटा मर गया था, परमेश्वर देख के अंदगी ने किया, उसको छिला करके अपने माँ के हाथ में दिया। हालेलुया, परमेश्वर विधवाओं से बहुत प्रेम करता है। एक विधवा दोस्त का डाल जाके वो झंडा डाली, परमेश्वर उसके ऊपर नजर रखा, कहता कि जितने धनवान दिया उससे भी ज्यादा बहुत इन्होंने दिया, क्योंकि परमेश्वर विशेष उनके ऊपर नजर रखा है। हालेलुया, याकूब 1:27 में लिखा है कि वो एक याकूब 1:27 में एक बार पढ़ लेंगे, याकूब 1:27 लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रहे। यहाँ पर लिखा है, याकूब ने कहता है कि परमेश्वर जो है हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है। हम भक्ति करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम ये करते हैं, वो भक्ति नहीं, तो परमेश्वर कहता है उसको भक्ति नहीं मानते हैं। आप अनाथों और विधवाओं और क्लेश में उसकी सुधि लेते हैं ना, उसी को परमेश्वर क्या कहते हैं, ये सच्चा आराधना। हालेलुया, हम बोलते हैं अपने क्या आराधना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ नहीं है। आप अनाथों को ऊपर और विधवाओं को ऊपर जो दरिद्र में है, परेशान में है, उसको मदद कीजिएगा, ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको ऊपर नजर रख के आपकी सहायता करेगा। यहाँ देखते हैं इस स्त्री के ऊपर उसको नजर पड़ा और पूछता है ये कौन है। हालेलुया, ये कौन है, परमेश्वर। और बहुत वचन आप लिख लीजिएगा, पहला तिमोथी 5:3 से हार्ट लिख लीजिएगा, बाद में जरूर पढ़िएगा, है ना। और कुलुसियों 3:22-23 और क्या कुछ भी आप एक उस वचन शुरू पढ़ेंगे, कुलुसियों 3:22-23 कुलुसियों 3:22 क्या पौलुस, क्या अपुलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। 3:22 पढ़े हैं ये 3 कुलुसियों 3 का, ये सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उसकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य प्रसन्न करने वालों के सामने दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिराय और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, और ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप कुछ भी करते हैं ना, दिखावा नहीं है, हम कुछ भी करते हैं हम परमेश्वर के लिए करते। आप विधवाओं के लिए कीजिए, गरीबों के लिए कीजिए, अलिशा के लिए कीजिए, या आप कुछ भी करते हैं परमेश्वर उस पर नजर रखता है। हालेलुया, परमेश्वर के नजर। यहाँ हम देखते हैं कि इस बॉस के द्वारा उस इतने सैकड़े लोग काम कर रहा है, लेकिन उनके नजर उसके ऊपर पड़ा। किसके ऊपर पड़ा, रूथ के ऊपर पड़ा। पूछता है कौन है, कन्या कौन है, कहाँ से आई है,
ये कौन है करके पूछ रहे हैं और उसके बारे में अच्छा गवाही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अच्छा गवाही मिल रहा है। पढ़ेंगे उसी दो अध्याय का 5-6 पढ़ेंगे। जो सेवक लवाने वाले के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, ये मोआबी कन्या है जो नाओमी का संग मोआब देश से लौट आई। उसने कहा था मुझे लवाने के पीछे पीछे फूल के पीछे बिनने बिनने और वाले बटरने बटोरने थे, तो वो आई और भोर से आबुद यही है केवल थोड़ी देर तक घर में गई थी, थोड़ी देर के लिए गई। सुबह से लेकर शाम तक बहुत लोग सोचते हैं बिना मेहनत का पैसा कमाएंगे, बिना मेहनत काम आपको कोई देके ना देके, आपका मालिक आपको देके ना देके, परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमारे ऊपर नजर रखने वाला है, कोई नहीं देख रहा है, चलो हम छुप छुप जाएंगे, कहीं बैठ जाएंगे, कहीं काम नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? आपको जो काम वाले आपका मालिक देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। आप उसको थपके देखिएगा, सास वहां घर पे पड़ी है, ये बात झूठों की बैठ करके यहाँ पर बैठ के अपने लिए बटोर के नहीं बटोरेगी तो क्या होगा? वो किसी का परवाह नहीं, किसी कोई देख रहा होगा नहीं देख रहा उससे कोई नहीं है। क्या किए सुबह से लेके अब सिर्फ कुछ देर के लिए घर पे गई, लेकिन सुबह से लेके अभी तक वो बटोर रही है, परमेश्वर का नजर उसके ऊपर आया। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर के नजर रहेगा तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा कि हम जो भी काम मांगते हैं, हालेलुया, हमको देने के लिए परमेश्वर तैयार रहेगा। हालेलुया। हम किसी बात की कमी नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि अपने बोआज अपना जो जो सेवक है उससे कहता है ठीक है कि क्या करो उसके लिए। देखिए तब बोआज ने रूथ से कहा, ए मेरी बेटी क्या तू सुनती है कि किसी दूसरे के खेत में बिनने को ना जाना, मेरे ही दासियों का सब यही रहना। परमेश्वर से उसको दया मिला, दृष्टि मिला, कारण ये है ये रूथ अपने सास माँ के लिए अपने काम उनको सेवा करने के लिए निकलने के कारण बड़ों से द्वारा। देखिए आप किसी को आप मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, आप ये मत सोचना कि कोई मुझे देखने वाला नहीं है। आप कुछ भी कोई भी देखे, हम कुछ कुछ विश्वासी को नाम लेके बता सकते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कोई देखे या नहीं देखे वो वॉलंटरी वो परमेश्वर का काम करते हैं। कोई कोई छोर होते हैं क्या करेंगे, अरे इससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो है ना करने दो ना, हम तो करने दो, हम थोड़ी करना है। पिछले सप्ताह की बात है, हबीब भी बोलते हैं तो दिल लगभग दुखता है, रोते हैं, अभिषेक का पैर में ऐसे गिर गया, किसी को पता है नहीं मालूम, कुछ लोग को मालूम होगा, दोनों पैर एकदम सड़ने के जैसा है, उसी में ऊपर दौड़ो नीचे दौड़ो ऊपर दौड़ो, परमेश्वर ने देखा। वो हम कितना बार उससे बोले इसको दिखा दिखाया नहीं, रूम में जाने के बाद फोटो भेजा, पूरा मैं आंख से आंसू भर गया, थो पर भी वो कमजोर नहीं किया परमेश्वर के लिए। वो सोचा कि हाँ मम्मी पापा जी के लिए नहीं, यहाँ पर लोग उल्लंघन के लिए नहीं, प्रभु के लिए करते हैं। मैं उसका नाम इसलिए लेते हैं, आप सबको जानता है जितने कमजोर है ना, आप लोग भी जान जाओ, तो परमेश्वर उसी पर आशीष देगा जो मन लगा के दिन रात, ना केवल हम कलीसिया के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने घर वालों के लिए भी आप कमा के जो बेच रहे हैं, किस प्रकार आप ईमानदारी है आपके ऊपर भरोसा में, आपकी विधवा माँ हो सकती है या आपके बाप हो सकते हैं, गरीब भाई बहन हो सकते हैं, आप किस प्रकार उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। ये बहन अपने माँ के लिए मदद करने के कारण परमेश्वर इस बोआब को परमेश्वर का हम आगे आने वाला दिन में बताएंगे, उनकी नजर उसके ऊपर गया और कहते कहते हैं बेटी तुम यहीं पर रहो, किसी के पीछे नहीं जाओ, तुम हमारे दासियों के साथ रहो, तुम्हारे लिए भलाई होगा। हालेलुया। हम इस वक्त अपने हाथ परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करेंगे। कोई हम देख रहा है, कोई हमें नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। हालेलुया। आप कुछ भी छोटा सा छोटा गिरा हुआ एक पत्ता को उठा के फेंकिएगा, आप थोड़ा सा कुछ ऐसे गंदा गिरा है अनदेखी करके चली जाइएगा, ये मेरा काम नहीं है, आप जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। मैं देख रहे हैं बहुत लोगों का जीवन, हम देख रहे हैं आप जिस प्रकार बोते हैं, आप जब दूसरों के लिए काम करते थे खुद खुद के खुद भी करते,
परमेश्वर के लिए काम करना होगा। एक लड़की नए नए आ रही निशा, मैं बहुत खुश हूँ उसको, तो मैं कभी उनसे नहीं कहा कि बेटी तुम चर्च में साफ करो, ज्यादा नहीं, कभी नहीं कहा, बल्कि हम बहुतों को कहे हैं आप लोगों का टर्न है, आज आप लोग करो, कल वो करो, हम भूल जाते हैं। लेकिन वो लड़की नए नई आई है, कुछ दिन से आ रही है, जब से आ रही है तब से हम देख रहे हैं, तभी मंजू का साथ, जो सप्ताह पिछले सप्ताह मंजू नहीं आया था, इस सप्ताह प्रभा का साथ मिलकर उन्होंने झाड़ू लगाया, मैंने बहुत खुशी हुआ, मैंने कुछ ने कहा है, बल्कि उसका पति भी आया हो, क्या सोचता होगा मेरे पति वहां काम करे नहीं, उसका पति प्रभु में नहीं है, वो लड़की भी बपतिस्मा नहीं ली, अब नए नए आ रही है, कहां आप लोग कहां हैं, आपकी आशीष को आप खुद आप लोग को बैठे हैं, आप सोचते हैं कि हमारा काम बहुत बड़ा है, हम ये है वो है, मैं बहुत बड़ा हूं, नहीं कुछ नहीं है, परमेश्वर के सामने सब कुछ नहीं है, आप अपने आप को सोचते हैं कि वो कौन देखने वाला है, परमेश्वर देख रहा है, आप काम छोड़ रहे हैं या आप परमेश्वर के लिए आप काम करते हैं, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर आप कुछ भी करते हो परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर के नजर जैसा उस विधवा का है ऊपर वो आपका नजर पड़ा, वैसे ही परमेश्वर का नजर आपके ऊपर पड़ना है, तो देव कामों को ईमानदारी से कीजिएगा, कोई देख रहा नहीं देख रहा है कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको देख रहा है, अपने सास माँ भूखे नहीं मरना है जिसके कारण कोई बात नहीं, खेत में जाके काम करेंगे, नहीं मैं वही काम करूंगा, नहीं मैं वैसे ही रहूंगा, मेरा स्टेटस क्या है, मैं कौन है, ये है ना, कुछ नहीं है, वो हमें सोचते भूखे रहेगा उस समय कौन स्टेटस देखेगा, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, विश्वास योग्य के साथ रहिए, गरीबों को दीन दुखी लाचार अनाथ आप देख रहे हैं आपके काम करने की जगह में कलिशा में या कहीं भी आप देखते हैं या खुद के घर में कोई है उनको आप देख नहीं कीजिएगा, मदद करें, परमेश्वर नजर आपके ऊपर पड़ेगा, अनुग्रहकारी प्रेम दयालु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आते हैं स्वामी, दूध का जीवन से परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम नए नए बातों को सीख रहे हैं, परमेश्वर उन्होंने अपनी माँ जो विधवा माँ है उनके लिए अपने सब कुछ त्याग करके आई, आने के बाद भी वो चुप नहीं रही, वो अपने माँ को पेट भरना है, माँ को खिलाना है, घर संभालना है, जिसके कारण किसी खेत में काम करने गई, परमेश्वर का नजर उसके ऊपर पड़ा, दिन से सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करने के कारण परमेश्वर का नजर उसके ऊपर पड़ा, प्रभु आप धन्यवाद देते हैं, आपकी नजर हम सबके ऊपर पड़ने पाए, प्रभु जितने लोग प्रभु जो भी करते हैं यह ना सोचे कि मैं इसी के लिए कर रहा हूँ, परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, इस बात को समझते हुए प्रभु सबको मिल करके कार्य करने की सहायता कर, आशीष दान करके यीशु के नाम से मांगते सुनो वैसे रहे।